आपके वहाँ TVS की एजेंसी है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। वाह भाई वाह, ये ऐसी जगह तो मुझे चाहिए थी यार। तो ये देखो भाई, लेफ्ट साइड में अपने पुराने वाले, राइट साइड में नए वाले। तो भाई यहाँ पर ना मैंने बारिश की वजह से अपना कैमरा ऑफ कर लिया था, और अभी अपन पहुँच चुके हैं नथु, जो कि मैं अपने दादा और के घर के वहाँ से आया हूँ निकल के। तो फटाफट से चलते हैं यमुनानगर, काफ़ी लेट हो चुके हैं और अपने बाइक के ब्रेक पैड वगैरह चेंज करा। भाई भाई साहब क्या भाई, बढ़िया में बारिश हो चुकी है। और भाई अंकल जो थे ना, जहाँ पर मैंने चाय वगैरह पी, तो वो रिएक्शन काफ़ी बढ़िया थे वहाँ पर सब, मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे थे। देते यार रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप एक मतलब एक अच्छे राइडर हो ना, एक राइडर हो भाई आप, दिल से राइडर, पता है कैसे होता है, हर एक चीज़ वेयर करता है, हेलमेट वगैरह, और लाइक मतलब अपना जो गेयर्स होते हैं ना, जो आपके सुरक्षा कवच है, हिंदी में तो यही बोलेंगे इसको, तो इसको ना ऐसे लेना चाहिए जैसे लाइक पहली मोहब्बत, जैसे पहली मोहब्बत भुलाए नहीं भुलाई जाती ना, तो ऐसे ही इसकी आदत बनाओ कि इसको भुलाया ना भुलाया जाए, है ना, कभी मत भूलना, तो मज़ा आता है। और यार हर बंदा रिस्पेक्ट देता है, इज्जत करता है, तो काफ़ी सही लगता है यार। तो यार अभी हम सरसावा रोड पे आ चुके हैं, नकूड़ आपा पहुंच गए थे, हूँ आपा सरसावा रोड पे है गया और चला गया सरसावा। सरसावा से पहले पुल आता है, उधर से अपना हाईवे पे बोले गए 4 लेन पे, और मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। आप भी मेरे साथ चले, और पहली हमारी राइड होने वाली है मानसून के मौसम में। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बट अगर बारिश ज़्यादा होती है तो मुझे गोबरो पे पन्नी वगैरह लगानी पड़ती है। यार फिर से बारिश स्टार्ट होने शुरू हो चुकी है, फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, क्या करें यार। रिएक्शन चेक करना भाई, यहाँ बारिश कितनी हो रही है यार, ज्यादा हो रही है क्या? A few moments later. कितना पानी धरे, चढ़ा दे कहीं सी, चढ़ जाएगी चढ़ जाएगी। अपोलो का टायर यूज कर रहे भाई अपन। भाई साहब ये क्या चीज़ है भाई, इधर से कर लेंगे भाई, चुपचाप निकाल लो भाई साहब। हे बेब्स चले जाओ तुम फटाफट, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ओके, अरे कितना ही उड़ के आ रहा होगा कोई यार इस मौसम में। आराम आराम से आते हैं सब, आराम से रोड क्रॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। A few moments later. चलो ओके रिपोर्ट, चश्मा शमा लगा लेते हैं अपना। और यार अभी मैं आ चुका हूँ यमुनानगर के पास थोड़ा सा, और एक शॉर्टकट मारते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता है, और फिर उसके बाद एजेंसी निकलते हैं। एजेंसी का मैंने लगा लिया, देखिए अग्रवाल उसकी लगी हुई है, तो अब चलते हैं। A few moments later. वाह भाई वाह, ये देखो भाई इसने कहा लेके आया भाई, वाह भाई वाह, ये ऐसी जगह तो मुझे चाहिए थी यार, मैं खुद आना चाहता था ऐसी जगह पे। मस्त है भाई मस्त है, किसी दिन आए कि वहाँ पर जाके अपने रील वगैरह शूट करेंगे। चलो भाई गूगल मैप ने आज कुछ तो फ़ायदा किया अपना। अब हमें इधर की साइड मुड़ना है भैया, देखो भाई चलान कट रहे हैं। सर हेलो, काले रोड के अंदर पूरा ऐसे
बताओ भाई कैसे लड़ रही है भाई ऑफिसर से। भाई आरटीओ ऑफिसर है भाई। सर एक्सक्यूज मी, ये ना इधर जगाधरी जाना है मेरे को, जगाधरी रोड पे जाना है, जो नाका चौक है ना, जहाँ पर TVS वगैरह की होंडाई की एजेंसी है काफ़ी सारी, उधर जाना है सर। हाँ जी हाँ जी, आप काम करो ये सीधा रोड जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर, सीधा रोड जाओगे ना बिल्कुल ऐसे यही चलता रहना। जी जी जी, टी पॉइंट जी जी, टी पॉइंट से लेफ्ट हैंड हो जाना। ठीक है सर, आपके वहाँ TVS की एजेंसी है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, तो ये देखो भाई, जबकि ये रोक रहे हैं बट इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यार पता रहता है यार बंदे को कि यार सारा कुछ उसका ओके ही होएगा, और माशाल्लाह से हमारा सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और भाई ये जो यमुनानगर है ना भाई, हल्के में मत लेना भाई, हर एक चीज़ के चलान कट जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ से अगर किसी को रोक लिया ना तो भाई बिना चलान के तो भाई जाता नहीं भाई वो। अंकल के रिएक्शन देखे, अभी राइट साइड में कार में बैठे हैं। जी हाँ अंकल जी, कैमरा है। मैं वैसे तो बेसिकली बराड़ा का हूँ, पर अभी यूपी गया था काम से। जी जी, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ मैं, मेरा शारिक राइडर के नाम से है जी। हाँ देखते रहते हो? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया जी। अच्छा वो देखते हो, चलो बढ़िया जी। देखा भाई अंकल जी के रिएक्शन। जी जी, TVS एजेंसी भाई, जहाँ पर मेरी बाइक पूरी दोबारा से तैयार हुई थी एक्सीडेंट के बाद। तो देखते हैं कि आज क्या रहता है भैया जी, ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएगा या नहीं। क्या हाल है सर, ठीक हो? आपकी याद आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कहा चलो मिल लेते हैं, काफ़ी दिन क्या उसके बाद आया ही कहाँ मैं, एक बार आया था शायद। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करा देना बस आज। भैया कैसे हो? ओए होए होए होए, ये ना पीछे का जो इसका वो है ना, जब ये 110 के पार जाती है ना, बबल कर रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जी हाँ, अलो थोड़ा सा ये करवाया है, करा है, प्लेट आती है इसकी ना, हवा कम करने के बाद भी ऐसे ही कर रहा है, उसके बाद तो काफ़ी कुछ हुआ है। हाँ नहीं नहीं ऐसे ही है ये, वैसे कई बार कार वार की साइड लग जाती है ना, तो हाथ पे लगते हैं ना, बंदा हाथ छोड़ देता है, ह्यूमन बिहेवियर है, तो ये हाथ पे लगने देगा तो बैलेंस कर लेगा। हाँ मजबूत है, गिरी है एक बार उस साइड, गिरी थी बाइक, मजबूत है चीज़ तो ये। हाँ एक तो पूरे वाला आता है वो लूँगा मैं, पर वो ना मजबूत नहीं है, वो हल्के से गिरने पे टूट जाता है, ये चक्कर है। ये ठीक है तो भाई बाइक की हालत देखो क्या हो चुकी है। और यार आपने देखा भी कि एजेंसी आ गए थे, तो मैंने इनको प्रॉब्लम बताई कि पीछे से काफ़ी बबल हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि शायद बेयरिंग में प्रॉब्लम है, कि यहाँ से भी ना हिल रहा है यार प्रॉब्लम। अब इसके जो ब्रेक पैड है ना पिछले वाले, वो चेंज करा लेते हैं, क्योंकि बराड़ा में तो थे नहीं, उन्हीं से चेंज करा लेंगे अपन। और देखो भाई बाइक खड़ी है, और यहीं पर यार मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसको, जब ये रिपेयर होने के लिए आई थी कम्प्लीट, और भाई यहीं से इसको पुनर्जन्म हुआ था, वापस यहीं पर आ चुकी है। ये देखो यार, ये चीज़ एंटा है, बजरी जैसे पटी पड़ी है ना, मतलब फंसी पड़ी है,
और ये इसको ख़राब कर देगी, ऐसे काट देती है। बड़ा सॉफ्ट टायर है अपोलो का अल्फा S1 है, पर फटाफट से काम हो जाता है। उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको, ब्रेक पैड वगैरह दिखाता हूँ कि कितने डैमेज है कितने नहीं। तो भाई ये रहे हमारे डिस्क पैड, अभी ये तो अपन चेंज नहीं कराए क्योंकि अभी तो बहुत पड़े हैं। पर भाई ये हमारे सर है जो कि हमारा खर्चा कराना चाहते हैं, कह रहे 10% पड़े हैं, मैं कह रहा 50% प्लस पड़े हैं। बाकी अगर इन्होंने बोला तो डाल दे, कोई चक्कर नहीं। देखो भाई कैसी लग रही है खुलने के बाद। तो ये रहा भाई बाइक का बेरिंग, बाइक में तगड़ा बेरिंग है। तो ये मैं कह रहा हूँ प्ले है इसमें ज़्यादा ही, प्ले हो जाती है तो बेरिंग थोड़ी सी प्ले इसकी वजह से। तो इसकी वजह से तो बाइक ऐसे नहीं कर रही है, कर क्यों रही है फिर बाइक ऐसे कैसे? ये पीछे जो तो ये देखो भाई, लेफ्ट साइड में अपने पुराने वाले, राइट साइड में नए वाले। ये देखो भाई कितना फ़र्क आ चुका है। तो भैया बोल रहे 10% बच रहे हैं, आप फिर भी चेंज कराई लो। ठीक है भाई चेंज करा लेते हैं इसको। तो भाई ब्रेक पैड वगैरह तो सब कुछ हो चुकी है, बस अगले थोड़ी ABS में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ देख रहे हैं। A few moments later. तो भाई खर्चे पे खर्चा हो जा रहा यार। तो भाई बस अब फाइनली वॉश हो रही है, सारा काम हमारा हो चुका है। बाइक के जो ब्रेक पैड वगैरह थे सब कुछ हो चुके हैं। ठीक है भैया, ओके ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई अभी हमारा हो चुका है सब कुछ काम जैसे कि आपने देखा, और यार अब अपन जा रहे हैं अपने घर पे। ABS काम कर रहा है भाई, कर रहा है भाई दोनों जगह का ABS अच्छे से काम कर रहा है आगे पीछे का, बिकॉज़ ब्रेक पैड पिछले साल चेंज हुए, ABS की जो सेंसर था वो क्लीन हुआ है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती। तो यार ये सर्विस टाइप ही ब्लॉग हो गया हमारा, तो वैसे ब्लॉग बन कुछ और रहा था, बन कुछ और जाता है, तो कोई चक्कर नहीं है। और अभी देखते हैं क्या आगे, नाका तो नहीं लग रहा भाई। तो देखो यार यही आई है, और मेरे को ब्रेक पैड के जो कोस्टिंग वगैरह ये इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, और जो बैरिंग वगैरह था वो तो सेट हो गया ऐसे ही। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। मैं भी अपने घर जाता हूँ।